हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रिंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं अपने फेसबुक पेज पे, वो भी फ्री में। अब आप लोगों को बता दो फ्री में कैसे। अभी तक मैं मोबाइल यूज करता था तो मोबाइल में गो स्ट्रीम यूज करते थे। गो स्ट्रीम में वहाँ मेंबरशिप लेनी पड़ती थी 300 रुपये की। अगर आप भी फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग जितनी मर्जी उतनी करना चाहते हो, जितनी देर की उतनी देर की कर सकते हो, जितनी क्वालिटी बढ़ानी है उतनी क्वालिटी में कर सकते हो, और डायरेक्ट यूट्यूब से डायरेक्ट फेसबुक पर ऑनलाइन भी आप लाइव कर सकते हो। तो वो कैसे होगा और किस तरह से होगा, तो हम अपने कंप्यूटर में ले जाते हैं। पहले बता देता हूँ, मोबाइल के लिए ये नहीं है। इसके लिए आपको OBS स्टूडियो का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में OBS स्टूडियो डाउनलोड कर लेना, तभी ये चलेगा लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं इस तरह की वीडियो पहले बना चुका हूँ, पहले भी OBS स्टूडियो को लेकर। तो आज मैं आपको डायरेक्ट लाइव करके दिखाऊंगा कि किसी तरह से अपने पेज पर लाइव कैसे करते हैं, वो भी ऑनलाइन, मतलब ब्राउजर के थ्रू। अब एक भी पैसा इसमें नहीं देना होता है, फ्री में ये काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम ऑन कर लिए हैं और आपको कंप्यूटर पर दिख रहा होगा OBS स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया है। तो जब आप ओपन करेंगे OBS स्टूडियो को, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से जाके OBS स्टूडियो को। उसके बाद कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक सीन क्रिएट करना होगा प्लस के आइकन पर क्लिक करके, ठीक है। सीन क्रिएट कर लेंगे, जैसे मुझे अपने पबजी गेम का गेम प्ले दिखाना है तो मैंने एक सीन लिख लिया है यहाँ पर पेज पर लाइव करने के लिए। यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर लिया है पबजी मोबाइल के नाम से। अब ये दूसरा जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करिए तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। ऑडियो इनपुट कैप्चर, ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ब्राउजर, कलर सोर्स, डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर मतलब कि पूरा स्क्रीन की जो भी आप छेड़खानी करेंगे अपने डिस्प्ले के अंदर, पीसी के अंदर, वो सारी रिकॉर्ड होकर लाइव चली जाएगी। इमेज स्लाइड शो, मीडिया सोर्स, सीन, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सब आप बाद में चेक कर सकते हैं। मैं कोई एक चीज़ ही बताता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊँगा। तो हम ऑनलाइन लाइव करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर ब्राउजर सिलेक्ट करना है। ब्राउजर पर जैसे ही आएगा ओके का बटन यहाँ पर दबाना है। ओके के बटन दबाने के बाद यहाँ पर हमें एक लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाएंगे अपने यूट्यूब में और एक लिंक को सिलेक्ट करेंगे जो भी वीडियो हमें दिखानी है अपने पेज पे। तो यहाँ पर जाने के बाद हम एक वीडियो ले लेते हैं कोई सा भी, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पबजी गेम प्ले, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक वीडियो सैंपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक वीडियो है, पहला ही नंबर का जो वीडियो है, इस वीडियो को रोक देना है, ऐड चल गई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे देखना है, शेयर का एक बटन आएगा, ये रहा शेयर का बटन, ये कॉपी को लिंक कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने, लिंक को कॉपी करने के बाद आप अपने OBS स्टूडियो में दोबारा आ जाएंगे। इस वीडियो को रोक कर OBS स्टूडियो में वापस आके यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है। देखिए मैंने ये पेस्ट कर दिया है। ओके के बटन पर क्लिक कर देना है तो वो जो स्क्रीन है यूट्यूब की वो डायरेक्ट आपके स्ट्रीम पर आ जाएगी, आपके OBS स्टूडियो पर, ठीक है। यहाँ से इसको बराबर से लाना है ताकि जो है वीडियो ये ना लगे कि हाँ YouTube से आया हुआ है। तो इसको ऊपर कर करके इसको बराबर करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको खींच के बराबर कर देंगे। और ये जो ऐड है वो शो नहीं होनी चाहिए, और ये जो ऐड है ये अभी थोड़ी देर में हट जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं और उसके बाद ऊपर फिर इसको लेके आते हैं। एक मिनट, इसको बराबर कर देते हैं। यहाँ से ऐड इनकी ख़त्म नहीं हुई है अभी तक, ये ऑनलाइन चल रहा है, डायरेक्ट लाइव चल रहा है यूट्यूब से। तो यहाँ पर इसको ऐड को ख़त्म होने देंगे, उसके बाद देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। तो जैसे ही हमने यहाँ ब्राउजर सेट कर दिया इस वीडियो का, अब स्किप करने का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं सेटिंग के ऑप्शन पे, सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रीम की डालनी पड़ेगी आपको अपने फेसबुक पेज की, जिस भी पेज पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो मैं इस पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली लाइव के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग को। अब ये पेज ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया। और ये जो स्ट्रीम की है इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये दिखाना सही नहीं रहता, नहीं तो कोई भी आपके पेज पे लाइव स्ट्रीम कर देगा। तो यहाँ से सिंपली मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ,
कॉपी करने के बाद OBS स्टूडियो में दोबारा आएंगे और इस सब को हटाकर और उस स्ट्रीम को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके के बटन पर क्लिक कर दिया हमने और इसके बाद यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग हो रहा है। अब हम जाते हैं अपने फिर से OBS स्टूडियो में और यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आवाज़ सब कुछ ऑन है। स्टार्ट के जगह पर क्लिक किए तो अब हमारा पेज पे यहाँ पर कनेक्टिंग ले लेगा, देखना। ये देखिए वो YouTube की जो YouTube की वीडियो है वो डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी हो चुकी है और लाइव डायरेक्ट स्टार्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे स्ट्रीम हमने सेटअप कर लिया है, सब कुछ कर लिया है और यहाँ पर स्ट्रीम सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइटल लिखने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइटल लिख लेते हैं, पबजी गेम, बस एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना ही डाल दिया है। इसके नीचे भी यही डाल देते हैं और एक कट हो गया। इसके नीचे भी यही डाल देते हैं, ये मैंने दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, मैं मेरे को खेलना नहीं है अभी, मैं वीडियो बनाने के लिए डाल रहा हूँ बस। आप जो आपका टाइटल है वो डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपना थंबनेल डाल सकते हैं, ठीक है। थंबनेल डालने के बाद आपको यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा, डायरेक्ट इसको लाइव कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लाइव आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है पेज पे। उसके बाद जो कमेंट्स आएंगे वो देखिए यहाँ पर लाइव चालू हो चुका है। यहाँ पर 0 व्यूअर्स है, 0 कमेंट्स है, 0 शेयर है, 0 रिएक्शन, मतलब जो भी अभी लाइव वहाँ चल रहा है जो देखेंगे वो यहाँ पर कमेंट करेंगे, आपको व्यूअर्स दिखेंगे, यहाँ पर कमेंट दिखेंगे, सारी चीज़ों का आप यहाँ से भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए स्ट्रीम की स्पीड दिखाएगा, 4 Mbps कितने FPS पे है, कितने KV स्पीड पे है, सारी चीज़ें आपको मैट्रिक्स यहाँ से दिख जाएंगी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट OBS स्टूडियो के थ्रू लाइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये चल रही है, उसके अलावा फिर आपको यही चीज़ें फेसबुक पर भी डायरेक्ट लाइव चल रही है OBS स्टूडियो के थ्रू। तो दोस्तों ये मेरे को समझाना था, अगर और भी टॉपिक पे आप OBS स्टूडियो की वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट के नीचे बताना, मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हो, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।